सो वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ परफॉर्म करने एक जगह पे, उसी वाले ब्लॉग का पार्ट टू है जिसका मैंने आपको जहाँ पे एंड किया था। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या माहौल है, कैसी परफॉर्मेंस है आज की मेरी, आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे जब परफॉर्मेंस होती है ना तो काफ़ी जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट सुबह से आप लोगों ने देखा होगा अगर पार्ट वन में कि बिजी स्केड्यूल कितना था, कभी यूनि आना, कभी कहाँ जाना, कभी खाना जाना, फिर कभी क्रिकेट, ये वो, और बिल्कुल हेक्टिक था। अभी बस मैं घर आया क्रिकेट खेल के, देन अभी तैयार हुआ हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो बड़ा हेक्टिक हो गया है और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, और अब देखते हैं कि वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्राउड कैसा होता है और क्या लोगों का जो रिएक्शन होता है। तो अभी ये सब देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी हम लोग हाइव के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे अभी एंट्री हो रही है। जैसी एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको जो है परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कैसी हो रही है कैसी नहीं। सो अभी हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए, अभी अंदर जाएंगे और मैं परफॉर्म करूँगा। वैसे तो ओपन माइक लाइक इस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है ना वो नहीं है, एक सिंपल सा ओपन माइक है। सारे सिंगर, कोई पोएट, कोई कॉमेडियन, कोई इस तरह से आया हुआ होगा। तो मेरी मैंने भी ऐसी मैं कहा चलो यार वाई नॉट ओपन माइक करते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। सो अभी अंदर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो पहले ये जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये मॉल था, फैल्कन मॉल, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बन चुका है। और लेकिन अंदर से बहुत प्यारा बना है, आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत अच्छा जो है प्रॉपर आप देख सकते हैं सिस्टम बनाया हुआ है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत प्यारा आप देख सकते हैं बनाया हुआ है। रिसेप्शन बहुत प्यारा है, देख रहे हैं कितना प्रॉपर सिस्टम है, अमेजिंग। आपको तो पता है फिर अच्छी जगह में फिर जब आते हैं मज़ा भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। देखें बहुत प्यारा बनाया हुआ है, अमेजिंग। प्यारी जगह आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत, और सिक्योर है। लाइक यहाँ पे भी कोई भी ऐसी अनऑथराइज बंदा नहीं आ सकता, लाइक प्रॉपर आप देख सकते हैं। ये देखें बहुत प्यारा है, ये देखें, चेक चेक दिस, इट्स वेरी अमेजिंग। सो ये ओपन माइक हो रहा था, है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। किसी को आता है शेर ऐसी कुछ ना, अगर नहीं आता है मुकम्मल कर ले, आता है आपको क्या? तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। रिलीज है स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब एज़ वेल एज़, और अगर आप लोगों को भी सिंगिंग जरूर अगर अच्छी लगे, आई होप अच्छी लगेगी, तो जरूर मेरे ओरिजिनल्स भी सुनिएगा। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। Hey,
करके मैं आ चुका हूँ पीसी पर कॉन्टीनेंटल में। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा हम लोग डिनर करते हैं, दैन उसके बाद देखने क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी डिनर करने बहुत दूर, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी परफॉर्मेंस थी ओपन माइक पर, तो उसमें अपनी मर्जी की मैंने गाने का एक दो किसी ने गाए तो वो गा दिए, बस मज़ा आ गया। तो बस चलते हैं कुछ खाते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी चीज़ में सिंगिंग भी हो गई, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी ओपन माइक है, और अभी एंड में खाना भी हो गया और अच्छी जगह पर हुआ, तो काफ़ी मज़ा आया। तो लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या देखना चाहते हैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।